हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे इन दिस इंग्लिश क्लास ऑफ क्लास नाइन्थ वी शैल स्टडी ऑल फोर पोएम्स दैट विल बी ऑक्योर्ड इन योर यूनिट टेस्ट फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू दैट ऑल द पोएम्स, फर्स्ट फोर पोएम्स विल बी अपीयर, द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दैट पोएम्स विल बी अपीयर इन योर यूनिट टेस्ट। सो वी आर गोइंग टू revise all of the four points for your unit test first, okay? So first of all, we shall study the first poem, The Road Not Taken. The Road Not Taken is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. We have also already studied about the Robert Frost. Robert Frost was a very famous poet, and the Stopping by Hoods is also most famous poem, Stopping by Hoods. This is also the most popular poem of the Robert Frost. Robert Frost is equal to an English poet William Wordsworth. William Wordsworth एक ऐसे poet हुए थे जिनके बारे में कहा जाता है कि William Wordsworth was considered as a Christ of nature. Christ of nature means प्रकृति के पुजारी, क्योंकि William Wordsworth ने भी क्या किया था, बहुत सारी poems लिखी थी जो प्रकृति पे थी। और जो Robert Frost हुए अमेरिका में, उन्होंने भी क्या किया था, जो नेचर पे पोइम्स लिखी थी, इसलिए उनको क्या कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ अमेरिका। ओके, तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, उनकी ये पोएम है द रोड नॉट टेकन। ये पोएम ये बताती है कि एक व्यक्ति जो प्रेजेंट में डिसीजन लेता है वो कि उनको कौन सा डिसीजन उसके लिए बेटर रहेगा, अर्थात जब अपने को कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है, अपन को कौन सा डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन जो अपन आज लेते हैं वो अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। अर्थात इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि आज आप जो डिसीजन, जैसे मान लो 10th पास करके व्यक्ति साइंस में जाएगा तो वह डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस मैथ्स में इंजीनियर बनेगा, कॉमर्स में जाएगा तो सीए वगैरह बनेगा, अर्थात उसको क्या बनना है, उसको क्या करना है, कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा ऑप्शन उसको चुनना है, ये डिसाइड आज डिसाइड करते हैं, और ये डिसीजन अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, इससे अपना फ्यूचर निर्धारित होता है। तो इस पोएम को हम पढ़ने से पहले बता दो, पोएम में क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, इसमें पोएम में क्या होता है, इसका प्लॉट क्या होता है। इसमें जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक दिन जंगल में अर्ली इन द मॉर्निंग जंगल के रास्ते पे जा रहा होता है, जंगल में जाया गया था, और वहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने क्या हुआ, दो रास्ते जा रहे थे, दो रास्ते में सब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फ्यूज्ड हो गए कि उनको आखिर में कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। दोनों रास्ते सेम लग रहे थे, दोनों रास्तों में समानता थी, परंतु उनको कौन सा रास्ता चुनना है ये उनके समझ में नहीं आया। फिर वो कौन सा रास्ता चुनते हैं और उससे क्या होता है, वो उन्होंने कहा कि मुझे सेकंड रास्ता चुनना चाहिए, फर्स्ट रास्ते पे मैं वापस कभी बाद में भी आ सकता हूँ। तो पोएम पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक जंगल में दो रास्ते डाइवर्ज यानी डाइवर्ज हो रहे थे, अलग अलग हो रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक जंगल में येलो वुड इसलिए आया, येलो देखो पीला जंगल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कौन सा मौसम है, ऑटम का, पतझड़ का मौसम है, इसलिए पतझड़ के मौसम में पूरा जंगल क्या हो जाता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, इसलिए जंगल को क्या कहा है, येलो वुड कहा गया है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि पोएट तो एक सिंगल पर्सन है और रास्ते दो जा रहे हैं तो एक व्यक्ति एक पे जाएगा ना। बट बी वन ट्रेवलर, परंतु मैं एक यात्री हूँ, लॉन्ग आई स्टूड, और मैं थोड़ी थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और मैंने थोड़ा लंबा देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, ये आगे जा रहा था, मुड़ा हुआ था इन द अंडरग्रोथ इन्हें नीचे, अर्थात रास्ता नीचे जहाँ पर आगे जाके मुड़ा हुआ था वहाँ तक मैंने उसको, जहाँ तक मैं देख सकता था उसको देखा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे बड़ा दुख है कि दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता।
क्यों? एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ यात्रा करने के लिए। लॉन्ग आई स्टूड, में थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और ने नीचे रास्ते को देखा। एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं इसको देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक मैं ये अंडर बेंट ने मुड़ना होता है, जहाँ तक ये मुड़ा हुआ था इन द अंडरग्रोथ नीचे आता, दूर तक जहाँ तक ये जस्ता मेरे को दिख रहा था वहाँ तक मैंने इसको देखा। देन लुकड द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता देखा। जस्ट एज फेयर एंड एविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर एड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। देन लुक टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रास्ते की तरफ देखा। जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल साफ सुथरा था। एंड एविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये मेरा अच्छा क्लेम, अच्छा चुनाव था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, इस पर क्या थी घास फूस, ग्रासी मीन्स घास फूस उगना, एंड वॉन्टेड वियर अर्थात इसलिए अभी नया नया ही रास्ता था। वॉन्टेड वियर अर्थात अभी इसने नए कपड़े पहने थे, वियर यानी कपड़े पहनना नहीं होता यहाँ पे, लेकिन क्या है उस रास्ते पर अभी तक कोई नहीं चला था, इसलिए उस पर घास फूस की पत्तियाँ पड़ी हुई थी और पेड़ों की पत्तियाँ पड़ी हुई थी। दो यानी यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहाँ से कोई नहीं गुजरा था। एड वॉर्न, यदि वहाँ से कोई गुजर जाता। दो यानी यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यहाँ से कोई गुजर जाता। एड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, एड वॉर्न तो वहाँ घास फूस क्या होती, एड वॉर्न यानी कटना या फटना, तो वहाँ पर वो पत्तियाँ की थी कटी हुई रहती। देम रियली अबाउट द सेम, तो वो भी पहले वाले की तरह ही रास्ता हो जाता। अर्थात पहले वाले पे क्या है, लोग चल चुके थे इसलिए वहाँ की घास फूस क्या थी, दबी हुई थी। बट एड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, अर्थात वो भी सेकंड रास्ता भी पहले वाले की तरह ही होता अगर वहाँ पे कोई निकल गया होता, लेकिन वहाँ से कोई नहीं निकला था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और दोनों रास्ते क्या थे, एक जैसे लग रहे थे। एंड बोथ देने दोनों द मॉर्निंग इक्वली ले, सुबह सुबह दोनों एक जैसे लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक, इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनोदर डे यच नोविंग हाउ वे लीड्स टू द वे आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। फिर आगे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, देखो, एंड बोट दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोट दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह सुबह क्या लगता है, एंड बोट दैट मॉर्निंग, उस सुबह इक्वली ले एक जैसे लग रहे थे, रास्ते एक जैसे लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक, इन लीव्स और पत्तियां नो स्टेप्स एट ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन दैट कुचलना अर्थात पैरों से, जब पत्तियां स्टेप्स यानी कदम है ना, जब पैरों से पत्तियां कुचल जाती है तो वो क्या काली पड़ के सड़ने लग जाती है। लेकिन लीव्स नो स्टेप्स एट ट्रोडन ब्लैक, अर्थात उन पत्तियों को किसी ने कुचल के काला नहीं किया गया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओ आई केप्ट, ओ मैं इस रास्ते पर चलूँगा, कैप्टन रखना अर्थात इस रास्ते पर चलूँगा फॉर अनदर डे, दूसरे दिन। आज मैंने सेकेंड रास्ता चुना है, मैं कल फर्स्ट रास्ते को चुन लूँगा। यट नोविंग, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, अर्थात रास्ते पर कैसे अर्थात रास्ते पर चलकर कैसे राह को पार किया जाता है। यट यानी फिर भी, नोविंग हाउ वे कि रास्ते, ये रास्ता लीड्स यानी जाता है ऑन द वे, किस रास्ते पर जाता है अर्थात रास्ता भी किस रास्ते पर जाता है। आई डाउट, मुझे शक है, मुझे संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस दोबारा आऊँगा, अर्थात पॉइंट को ये डाउट है कि हो सकता है मैं इस दूसरे रास्ते पर जा रहा हूँ तो मैं वापस आ ही नहीं पाऊँ, हो सकता है मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं ऐसे मंजिल की तरफ चल जाऊँ जहाँ से मैं वापस नहीं आ सकूँ, तो हो सकता है मुझे ये दूसरा रास्ता, जो पहला रास्ता मैंने छोड़ दिया है उस पर वापस चल ही नहीं पाऊँ, ऐसा इसलिए पॉइंट कर रहा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, आई शैल बी टेलिंग, और मैं ये कहूँगा दिस विद अ साई, एक रात की सांस लेते हुए मैं ये कहूँगा, समवेयर कहीं, एजेस एंड एजेंस एंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एजेस मीन्स लंबे समय के बाद में इस प्रकार कहूँगा, क्या कहूँगा, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एक जंगल में दो रास्ते जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उनमें से एक लिया लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर कम यात्री चलते थे, एंड दैट इज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी से आज इतना बड़ा
डिफरेंसेस मेरी ज़िंदगी में आया है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये कहूँगा, क्या कहूँगा, साई यानी रात की सांस लेते हुए मैं ये कहूँगा कि हाँ समवेयर एज एज एंड एज एज कुछ समवेयर कहीं कहूँगा, कहीं भी जहाँ पे मैं जाऊँगा अर्थात मैं जहीं जहाँ पर भी मैं किसी से मिलूँगा वहाँ पे कहूँगा एज एज एंड एज एज एंड कहीं लंबे समय बाद। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, के एक जंगल में दो रस्ते डाइवर्ज इन अलग अलग हो रहे थे। एंड आई टुक द वन, मैंने उनमें से एक लिया, लेस ट्रेवल्ड बाय, इस पर कम लोगों ने यात्रा की थी, मैंने उस रस्ते को चुना। एंड दैट इज मेड ऑल डिफरेंसेज, और इससे मेरी ज़िंदगी में इतना फ़र्क पड़ा। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देखते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। ओके, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, कवि ने पाए पोइट ने खुद को कहाँ पाया, वॉट प्रॉब्लम डज ही फेस। द पोइट फाउंड हिमसेल्फ इन अ वुड, इन अ येलो वुड, एंड ही हैज टू चूज वन वे, देर वॉज टू वेज, सो ही हैज टू चूज वन वे, दिस वॉज द ग्रेट प्रॉब्लम्स बिफोर द पोइट। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर वन। डिस्कस वॉट फ्रेज दिस फ्रेजेज मीन टू यू, इस फ्रेज का मतलब क्या है, इन फ्रेजेज आए यहाँ पे इनका मतलब क्या है। और देखो अ येलो वुड इट मीन्स इट वॉज द टाइम ऑफ ऑटम सीजन। ओके, ये पतझड़ का मौसम था एंड द लीव्स वर येलो। ओके, सेकेंड फ्रेज है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वीयर, इट वॉज ग्रासी अर्थात वहाँ पे इट वॉज एंड देर वॉज अ ग्रास ऑन द वे ऑन द सेकेंड वे and wanted wear and the way was very fresh. Okay, रास्ता कैसा था, बहुत ताज़ा था, nobody had walked on that way. Okay, in the passing there, वहाँ से कोई नहीं गुजरा था, passing there no traveler had passed from that way. Okay, leaves no steps had trodden blacks, leaves there was no traveler on that way, so the leaves were fresh and not black. Okay, so the leaves were very fresh. How way leads on the way, how way कि किस प्रकार से leads यानी रास्ते पर चला जाता है, on the way रास्ते में अर्थात ये रास्ता रास्ते पर चलकर हमें किस प्रकार आगे ले रास्ता ले जाता है ये इसमें कहा गया है। How way leads on the way, how way कि किस प्रकार से रास्ता अपना decision जो अपन लेते हैं वो अपन किस प्रकार अपने मंजिल तक पहुँचते हैं। In there any differences between the two roads as the poet describes them, is there any क्या कोई फ़र्क है between the two roads दो रोड के बीच में as the poet describes them, in stanza first और stanza and the last two lines of the poem, क्या दोनों में कोई फ़र्क है, yes there is a great difference between two ways. Okay, what do you think the last two lines of the poem means, पोइम की जो लास्ट टू लाइन्स आई है उसका मतलब क्या है, पोइम की जो लास्ट टू लाइन्स आई है, देखो आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट इज मेड ऑल द डिफरेंसेस, इसमें कहा गया है द पोइट इज सेइंग हियर दैट आई चूज द सेकंड वे दैट वाज ट्रेवल्ड लेस ट्रेवलर्स ट्रेवल्ड बाय लेस ट्रेवलर्स। ओके, मैंने सेकंड रास्ता चुना जिसमें कम यात्रियों के द्वारा यात्रा की गई थी। एंड द डिफरेंसेस दैट इज इन माय लाइफ इज ड्यू टू माय डिसीजन दैट आई टुक प्लेस। ओके, दैट आई टुक प्लेस द सेकंड वे। ओके, थैंक यू सो मच, इट इज़ सफिशियंट फॉर टुडे। आई होप दैट यू विल हैव गॉट द फुल नॉलेज एंड द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द पोएम एंड यू विल गिव द answers of the questions that will be appear in your exams and unit test first. Okay, thank you so much.